गुड मॉर्निंग क्लास LKG। सब्जेक्ट है बच्चों आपका मैथ्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपकी मैथ्स की बुक है, मैथ्स प्री प्राइमर। तो इसमें हमने अभी तक जो है चैप्टर नंबर 4 और 15 तक, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 और 15 तक हमने क्या क्या पढ़ा आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 4 और 15 में सीखी हैं, जैसे बिग एंड स्मॉल हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, हैवी एंड लाइट, मोर एंड लेस, अप एंड डाउन, हाई एंड लो, नियर एंड फार एंड सेम एंड डिफरेंट, इनसाइड आउटसाइड, ऑन अंडर बिटवीन, ठीक है ना। तो इतनी सारी हमने चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, कौन हैवी है, कौन लाइट है, थिक थिन, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने चैप्टर 4 to 15 में सीखी हैं। तो इसका हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, जो चैप्टर नंबर 4 से और 15 तक हमने सीखा है। तो ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन आपको बता देती हूँ, कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बिग द टिक द बिग एंड कलर द स्मॉल। आपने बिग पे क्या करना था, टिक करना था, और कलर स्मॉल पे कलर करना था। फिर आपका क्या था यहाँ पे, टिक द लॉन्ग, जो लॉन्ग है उस पर इस तरीके से टिक करना था, और शॉर्ट पे हमने क्या करना था, कलर करना था। फिर यहाँ पे देखिए, टिक द शॉर्ट एंड कलर द टॉल, इस पर हमने क्या करना था, शॉर्ट पे टिक मारना था और इस पर कलर करना था। फिर था हमारा टिक द थिन एंड कलर द थिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, इसको कलर करना था और इस पर टिक हमने लगाना था। फिर है यहाँ पे हैवी एंड लाइट, जो हल्का है, तो हल्की जो है बोतल होती है हल्की, और जो लीफ होती है वो कैसी होती है, एकदम लाइट होती है, हल्की होती है, और बोतल कैसी होती है, भारी होती है, ठीक है ना। तो जो लीफ है उस पर हमने क्या करना था, कलर करना था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर एंड लेस, जो ज़्यादा हैं उस पर हमने कलर करना, टिक इस तरीके से करना है, और जो क्या है कम है उस पर हमने कलर करना है। तो फ्रॉग है यहाँ पे बना हुआ, उस पर हमको कलर करना था। और आज आगे देखिए, इसी में रिवीजन में है बच्चों, और पेज नंबर आपका 36 है, तो सभी बच्चे इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 36, और रिवीजन का दूसरा पार्ट है ये। इसमें है टिक द अप एंड कलर द डाउन, हमने क्या करना है, जो अप है, अप मीन्स ऊपर, आपको बताया था ना, अप मीन्स ऊपर, जो ऊपर है उसमें हमने इस तरीके से इसमें टिक करना है, और जो क्या है नीचे है कलर द डाउन, जो नीचे है उसमें हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है, जो डाउन में है, ठीक है ना। अप में हमने टिक मारना है, और जो डाउन में है उसमें हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें टिक द हाई, हाई मीन्स ऊपर, ठीक है, एंड कलर द लो, लो मीन्स नीचे, तो जो हाई है उसमें हमने टिक करना है। यहाँ पे एक बॉय बना है, वो क्या है, हाई में है, और जो बॉल है वो कहाँ है, लो, तो उस पर हम क्या कर देंगे, कलर से उसको कलरिंग इसमें कर देंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे टिक द नियर, जो नियर है उसको हमने कलर करना है, किससे नियर है, एंड कलर द फार, जो फार है, जो दूर है उस पर हमने कलर करना है, फ्रॉम द ट्री, ठीक है ना, जो ट्री से क्या है नियर है उसको हमने टिक करना है। तो एलिफेंट क्या है, ट्री के नियर है, एंड जो हैन है वो क्या है, ट्री से फार है, दूर है, तो इस पर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, टिक द डिफरेंट एंड कलर द सेम, आपको क्या करना है, यहाँ पे हेट बनी है और आपको हेट दिख रही है अलग अलग, डिफरेंट सी आपको कुछ दिख रही है, कुछ सेम आपको दिख रही होंगी, तो ये दोनों क्या है, सेम है,
और ये डिफरेंट है, ठीक है ना, आप लोगों को देख रही होगी, है ना, जो सेम चीज़ें होती हैं वो एक जैसी लगती हैं, सेम लगती हैं, और जो डिफरेंट होता है तो इनसे ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है, टिक द डिफरेंट, जो डिफरेंट है उस पर हमने कलर टिक कर देना है, और जो क्या है सेम है उस पर हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए, टिक द ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन द रूफ एंड, ठीक है ना, हमने इस टिक लगाना है जो रूफ़ के ऊपर है, छत के ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके की टिक लगाएंगे, गर्ल है जो वो है रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर है, एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर द रूफ, जो अंडर रूफ, जो रूफ़ के अंडर है, नीचे है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जो गर्ल है वो क्या है, ऑन द रूफ, एंड जो बॉय है अंडर द रूफ, ओके। तो इस तरीके से आपने इन दोनों में टिक लगाना है और सीखना है कि कौन सा अप है, डाउन है, हाई, लो, सेम, डिफरेंट, फार, नियर, ठीक है ना। जो ये रिवीजन जो आपका जो चैप्टर है इसमें सारा कुछ है बच्चों, है ना, बिग स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, तो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और साथ में जो मैंने यहाँ पर अभी करने के लिए बोला इसको भी आपको करना है।